हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे नाइकोन D90 DSLR कैमरा का। काफ़ी अच्छा ये कैमरा है। इस कैमरे में आपको डेडिकेटेड डायल्स मिल जाते हैं। पीछे वाला डायल आपका शटर स्पीड के लिए, और आगे भी इसमें आपको एक डायल मिल जाता है जिससे कि आप अपनी एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। इस कैमरे का रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ इसका ट्यूटोरियल और क्या बेस्ट सेटिंग्स रहेगी आपके लिए, अगर आपने नया नया ये कैमरा लिया है, आपको फ़ोटोग्राफी इससे करनी है या आपको वीडियोग्राफी करनी है, तो क्या आप सेटिंग्स रखें, डिफरेंट मोड्स और इसके मेन्यूज़ वगैरह, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। एक बार हम देख लेते हैं कि कैमरा दिखने में कैसा है। तो पीछे से तो आप देख ही चुके हैं कि ये कैसा दिखता है, साइड वेज से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको यहाँ पे AF और M का एक स्विच मिल जाएगा। अगर आप इसको M पे डाल देंगे तो आपके जितने भी लेंसेज हैं वो मैनुअल फोकसिंग काम करेंगे, उसमें आपका ऑटो फोकस काम नहीं करेगा। और ये D90 कैमरा नाइकोन का ऐसा कैमरा है जिसके अंदर आपको बिल्ट इन फोकस मोटर मिल जाता है, तो इसलिए इस कैमरा में आपके नाइकोन के जितने भी AF वाले लेंसेज हैं और AF-D वाले लेंसेज हैं, सारे के सारे लेंसेज एकदम करेक्टली ऑटो फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं लेंसेज को 3000 वाले कैमरा पे या D5000 वाले कैमरा में यूज़ करोगे तो उसमें वो ऑटो फोकस नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से ये वाला कैमरा बहुत ही बेहतरीन है। 12 मेगापिक्सल का है, 200 से लेकर 6400 तक इसकी ISO की रेटिंग जाती है, और बिल्ड क्वालिटी इसकी प्रोफेशनल है। एनीवेज, अब हम देखते हैं दूसरी तरफ से ये कैसा दिखता है। तो इस तरफ जो मैंने आपको बताया था, आगे एक और डायल है इसमें जिससे कि आप एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर में आपको शटर का बटन मिल गया, तो ऊपर से आप देख सकते हैं। इसमें आपको टॉप LCD स्क्रीन भी मिल जाती है। टॉप LCD स्क्रीन में आप अपनी डिफरेंट सेटिंग्स इजीली चेकआउट कर सकते हैं। जो इस कैमरे का मोड डायल है वो इस तरफ होने के बजाय दूसरी तरफ है, जहाँ से आप इसको डिफरेंट मोड्स में डाल सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक मोड, एपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड या फिर फुली मैनुअल मोड। उसके अलावा बाकी सारे प्रीसेट्स भी हैं इसमें, पोर्ट्रेट और ये सब, उनमें भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको इन डिफरेंट बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो बारी बारी से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप कैसे शटर स्पीड, एपर्चर वगैरह ये सब चीज़ें चेंज करें इस वाले कैमरा में। तो आप देख सकते हैं अभी ये वाला कैमरा M वाले मोड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये A वाले मोड पे यानी एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे आ जाएगा। तो पहले हम इसको M मोड पे डालते हैं। और आपको पता है कि जब आपका कैमरा फुली मैनुअल मोड में होता है तो उस केस में आप शटर स्पीड को भी सेट करते हो और एपर्चर को भी सेट करते हो। और अगर आपने ISO को ऑटो पे डाल दिया है तो कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेता है कि क्या उस पर्टिकुलर सेटिंग के हिसाब से ISO की वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर आप कैमरे को ऑटो ISO पे नहीं डाल दे तो उस केस में आप ISO की वैल्यू को भी सेट कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एपर्चर और ये सब चीज़ें कैसे एडजस्ट होंगी। अब देखो, मैं इस वाले डायल को घुमा रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये आपकी शटर स्पीड की वैल्यू है। तो इस पीछे वाले डायल से आप शटर स्पीड की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप 18-55 वाला लेंस यूज़ कर रहे हो तो आप कम से कम 1/50 शटर स्पीड तो रखो ही, ताकि आपको शार्प फोटो मिल जाए। अब हम बात करते हैं एपर्चर की। एपर्चर आपको चेंज करना है तो ये जो आगे डायल दिया हुआ है, इस डायल से आप चेंज कर सकते हैं। अब उन सेटिंग को देखने के लिए आपको इसको हल्का सा हाफ प्रेस करना पड़ेगा, ताकि वापस से इसमें आपको वो वैल्यूज़ दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं एपर्चर की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये वाला लेंस जो है आपका F22 F25 तक इसकी मैक्सिमम एपर्चर जाती है, लेकिन एपर्चर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आपके कैमरे में कम लाइट आएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा लाइट आए कैमरे में, ताकि हमें ज़्यादा क्लीन इमेज मिले। तो इसलिए हम इसकी F की वैल्यू को जितना कम से कम हो सकता है उतना रखेंगे। तो जैसे कि अभी वाला जो मेरे पास लेंस है, ये 18-105 वाला लेंस है, तो इस वाले लेंस में आपको 3.8 का मिल रहा है अभी के हिसाब से मिनिमम एपर्चर। वैसे तो इसमें आपका सबसे मिनिमम एपर्चर ज़्यादा है 3.5 तक, लेकिन अगर आप लेंस को थोड़ा सा जूम कर दोगे तो आपका F4 या F3.8 के आसपास एपर्चर बनेगा। तो ये आप अपने सेटिंग कर दी।
अब हम देखते हैं ISO की वैल्यू। तो ISO की वैल्यू को अगर आप चाहें तो या तो आप अपने आप से सेट कर सकते हैं अवेलेबल लाइटिंग के हिसाब से, या फिर आप उसको ऑटो ISO पे भी डाल सकते हैं। अगर आपको ISO की वैल्यू को चेंज करना है तो आप ये वाला जो बटन है जिसके ऊपर ISO लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको दबाएंगे और ये जो पीछे वाला डायल है इसको आप घुमाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे की LCD स्क्रीन है एकदम ब्लैक दिख रही है, तो आप अपनी सेटिंग्स यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आपको पीछे की LCD स्क्रीन पे अपनी सेटिंग्स को देखना है तो आप ये इन्फो वाला बटन दबाइए। तो मैंने इन्फो का बटन दबाया तो अब आप देख सकते हैं सारी की सारी सेटिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब मैं ये ISO के बटन को दबाया, आप देख सकते हैं ये ISO की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो अभी मैंने 1600 का ISO रखा और मैं ये जो सामने फ़ोटो है उसको क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैमरे में एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, तो मैं इसका लाइव व्यू ऑन कर देता हूँ। और लाइव व्यू को ऑन करने के लिए आपको ये LV वाला बटन दबाना होगा। तो मैंने ये LV का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं मैंने इसको हाफ प्रेस किया और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, तो इसलिए मैं ISO की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ। अब एक बार आप लाइव व्यू में आ गए तो उस दौरान आप ISO को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको लाइव व्यू से बाहर निकलना पड़ेगा। ये इस कैमरे का एक ड्रॉबैक है। तो मैं ISO को करता हूँ 1250, फिर से मैं लाइव व्यू में आता हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी सही एक्सपोजर है। तो ये जो सामने गिटार रखा हुआ है इस पर मैंने फोकस किया और मैंने अपना फ़ोटो क्लिक कर लिया और फ़ोटो काफ़ी अच्छा आया है करेक्ट एक्सपोजर के साथ। अब गाइज अगर आप इसको ऑटो ISO पे डाल दोगे तो उस केस में आपको ISO की वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा, कैमरा अपने आप ISO की वैल्यू को डिसाइड कर लेगा। तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा मेनू में। तो हम मेनू में गए और आपको ये जो दूसरे वाला जो मेनू है जहाँ पे कैमरे का आइकन बना हुआ है शूटिंग मेनू, इसके अंदर हमें जाना है। फिर आप देख सकते हैं ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स, तो हम उसमें जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ISO सेंसिटिविटी ऑटो कंट्रोल, इसको हम कर देंगे ऑन। हमने इसको ऑन कर दिया है और हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम हमारी ISO की सेंसिटिविटी कितनी जाए। तो इस केस में मैंने इसको 3200 कर दिया है, 3200 से ऊपर थोड़ा नॉइज़ आने लगता है। और मिनिमम शटर स्पीड मैं 1/30 की रखूँगा ताकि मेरे को ठीक ठाक एक शार्प फोटो मिल जाए। तो अब ये ऑटो ISO हमारा ऑन हो गया है। तो अब हम जब फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा आप देख सकते हैं इसने इस बार अपने आप ISO को डिसाइड कर लिया। तो इस बार इसने 560 को डिसाइड किया है ISO को और हम फोटो क्लिक करते हैं। तो अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया, हमने सिर्फ शटर स्पीड और एपर्चर को सेट किया, ISO कैमरे ने अपने आप लिया, हमने फोकसिंग की। फोकसिंग करने के लिए ये जो आपका ऊपर वाला ये बटन है सिल्वर बटन, इसको आप हाफ प्रेस ऐसे करते हो और ये जो आपका पीछे जो स्क्वायर है जब ये ग्रीन हो जाता है दैट मीन्स आपका फोकस लॉक हो गया। और जब आपको फ़ोटो क्लिक करना है आप इसको पूरा ऐसे दबा देते हैं और आपका फ़ोटो क्लिक हो जाता है। यही काम आप इस लाइव व्यू को देखे बगैर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लाइव व्यू को ऑफ कर दिया, तो अब इस केस में मेरे को अपनी आँख यहाँ पर लगानी होगी और मैं इस व्यू फाइंडर के थ्रू देखूँगा और शटर को हाफ प्रेस करूँगा, फोकस लॉक करूंगा और अपना फोटो क्लिक कर दूंगा। जैसे कि इस बार इसने फोटो क्लिक किया और फोटो एकदम करेक्टली आया है क्योंकि ऑटो ISO में है। अब हम जाते हैं दूसरे वाले मोड पे। दूसरे वाला मोड है हमारा एपर्चर ब्राइटी मोड। तो एपर्चर ब्राइटी वाले मोड के लिए हम इसको ए पे डाल देंगे। ये जो सामने वाइट एरो है उसके सामने अब ये ए आ गया, ठीक है। अब ये एपर्चर ब्राइटी मोड में है। तो एपर्चर ब्राइटी मोड का जैसे कि मतलब है, इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें कैमरा अपने आप सेट करता है, जैसे कि शटर स्पीड होगी। और क्योंकि हमने कैमरे को ऑटो ISO पे डाल दिया है तो अब हमें ISO को भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एपर्चर को सेट करना है, तो एपर्चर को हम ये जो आगे वाला जो डायल है उसको घुमाएंगे और सेट हो जाएगा। आप देखिए एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है, मैं डायल को घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस केस में एपर्चर की वैल्यू को रखा 4.5। अब मैं इस लाइव व्यू को ऑन करता हूँ और जो सामने रखा हुआ गिटार है उस पर मैंने फोकस किया और मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया। बहुत सिंपल है,
कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपर्चर को सेट किया। और क्योंकि इस कैमरे में आपको डेडिकेटेड डायल मिल गया, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। जो नाइकॉन D3000 सीरीज़ के कैमरे हैं या 5000 सीरीज़ के जो कैमरा है, उसमें आपको एक और यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस का एक्सपोजर कॉम्पनसेशन वाला बटन होता है, उसको दबाना होता है और फिर साथ में पीछे वाले डायल को रोटेट करना पड़ता है, तब आपका एपर्चर चेंज होता है फुली मैनुअल मोड में। और अगर आप एपर्चर प्रायोरिटी मोड में होते हो तब तो पीछे वाले डायल से हो जाता है, लेकिन इस कैमरे में आपको डेडिकेटेड डायल मिल गया तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे वाले डायल से एपर्चर और पीछे वाले से आपकी शटर स्पीड चेंज हो जाएगी। प्रोफेशनल कैमरा है तो हर चीज़ के लिए इन्होंने आपको बटन्स दिए हुए। अब हम जाते हैं शटर प्रायोरिटी वाले मोड में। शटर प्रायोरिटी वाले मोड में जाने के लिए इसको हम एस पे डाल देते हैं। तो हमने इसको एस पे डाल दिया। एस पे डालने के बाद अब हमें शटर स्पीड को एडजस्ट करना है। शटर स्पीड जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पीछे वाला डायल है इससे हमारी एडजस्ट होती है। तो आप देख सकते हैं शटर स्पीड यहाँ पे चेंज होगी, 160 होगी, 200 होगी। तो जितनी आपको लग रहा है कि जितनी मिनिमम शटर स्पीड चाहिए आपको शार्प फोटो के लिए, तो आप जिस फोकल लेंथ पे फ़ोटो शूट कर रहे हो, जैसे कि अगर आप 100 mm की फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हो, तो कम से कम 1/100 या उससे ज़्यादा की शटर स्पीड रखें। तो अभी जैसे मैं इस लेंस को थोड़ा जूम करता हूँ, ये 105 की फोकल लेंथ का लेंस है, तो अब मैं इसकी शटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी शटर स्पीड को 100 किया और फोटो मेरा क्लिक हो गया। और बहुत ही आसान है, एपर्चर को इसने अपने आप डिसाइड किया, ISO को इसने अपने आप डिसाइड किया, सिर्फ मैंने शटर स्पीड को सेट किया और फोटो हमारा इजीली क्लिक हो गया गाइस। अब हम आ जाते हैं इसके मूवी वाले मेनू पे। इस वाले कैमरे में आप HD मूवी बना सकते हो, फुल HD नहीं, HD मूवी, यानी कि 720p की। लेकिन इसमें आपको बिल्ट इन माइक नहीं मिलता। ये पहला कैमरा था जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलती थी। इससे पहले जितने भी DSLR थे, किसी भी DSLR में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना बहुत ही ईजी है। पहले आप कोई भी एक मोड चूज़ कर लीजिए। वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप फुली मैनुअल मोड में यूज़ कीजिए। उसमें आपके ऊपर कंट्रोल रहेगा कि क्या आपको शटर स्पीड और एपर्चर रखना है। तो मैं इसको वापस से डालता हूँ M वाले मोड में। दिखा देता हूँ आपको, देखो M वाले मोड में आ गया है मेरा कैमरा। तो सबसे मेन बात, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो आपका कैमरा इस लाइव व्यू में होना चाहिए। अगर आपका कैमरा लाइव व्यू में नहीं है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो लाइव व्यू में आपका कैमरा होना चाहिए। कौन सा मोड आप यूज़ कर रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कोशिश करना कि फुली मैनुअल वाला मोड यूज़ करो। अगर आप घर के अंदर आपकी लाइटिंग कंडीशन आर्टिफिशियल है कि आप ट्यूब लाइट या बल्ब में शूट कर रहे हो, अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या यूरोप में हो, तो तब आप जो अपनी शटर स्पीड है उसको कम से कम 1/50 या 1/100 या 1/25 रखो। मतलब कि आपको 25, 50, 100 इसके मल्टीपल में अपनी शटर स्पीड रखनी है। वरना होगा क्या कि आपकी जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है, हमारे यहाँ 50 की फ्रिक्वेंसी है, 50 हर्ज पे चलते हैं, तो आपकी वीडियो में ना फ्लिकर इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए अगर आप घर के अंदर वीडियो शूट कर रहे हो आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो अपनी शटर स्पीड 1/50 कर दो या 1/100 कर दो। एपर्चर जो आपको जितना मिल रहा है उतना रखो। अगर आप 1.8 वाला लेंस यूज़ कर रहे हो तो उसमें 1.8 तक जाएगा आपका एपर्चर, तो आप 1.8 भी रख सकते हो। अभी जो मेरे पास लेंस है इसमें मेरे को 3.5 का मिल रहा है एपर्चर, तो मैंने 3.5 का कर दिया। ISO को मैंने पहले से ऑटो डाला ही हुआ है। अब मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि ये जो ओके वाला बटन है, जब हम लाइव व्यू में, अब मैं इस ओके बटन को दबाऊंगा तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो REC का मेरे को यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा टाइम भी चल रहा है। तो इस वाले कैमरे में आप एक वक्त में मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपके 20 मिनट हो गए हैं तो उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे 30 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं तो 20 मिनट के बाद आपको स्टॉप करके, वैसे तो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी, आपको फिर से अपनी वीडियो को स्टार्ट करना पड़ेगा। पुराना कैमरा है, उसके बावजूद भी जो फीचर इस कैमरा में है काफ़ी अच्छी है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं उसके दौरान
आपका कोई भी ऑटो फोकस नहीं होगा। तो अगर जैसे मैं किसी और जगह पे ऑटो फोकस करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसके सामने हाथ कर दिया, तो मेरा हाथ अभी ब्लर्ड है, मेरे हाथ पे ये फोकस नहीं करेगा, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपकी एक बार स्टार्ट हो गई है तो उसमें आप ऑटो फोकस पॉइंट्स को चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको फिर भी अपना ऑटो फोकस चेंज करना है तो फिर आपको करना क्या होगा, जैसे अभी देखो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हो चुकी है, तो मैं इसको AF से M पे डालूंगा। तो अब ये मेरा कैमरा सिर्फ और सिर्फ मैनुअल फोकस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे फोकस चेंज करना है, तो ये जो मेरा फोकस रिंग है कैमरे का, इसको मैं घुमा के फोकस चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फोकस रिंग, ये कैमरे का फोकस रिंग है, इसको हम ऐसे घुमा के कैमरे का फोकस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये फोकस का पॉइंट चेंज होगा। तो अब मैं इस कैमरे के आगे अपना हाथ ले जाता हूँ, तो मेरा हाथ अभी आउट ऑफ फोकस है। अब मैं इस हाथ को फोकस करने की कोशिश करूँगा, मैनुअली मैं फोकस कर रहा हूँ। तो अब देखिए मेरा हाथ फोकस में आ गया है, मेरी लाइंस भी दिख रही है हाथ की, और पीछे की चीज़ें आप देखिए, जो गिटार है वो आउट ऑफ फोकस है। मैं वापस से गिटार को फोकस में ले आया हूँ मैनुअली करके। तो इस तरीके से आप मैनुअल फोकस में इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जैसे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप पहले से ही फोकस को लॉक कर लीजिए। जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने के लिए आपको ये ओके बटन दबाना है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले कहीं पे फोकस करना है, मान लीजिए उस गिटार पे फोकस करना है, तो आप ये ऊपर वाला जो बटन है शटर बटन, इसको आप हाफ प्रेस कीजिए। अब देखिए ग्रीन हो गया, एरो ग्रीन हो गया, मतलब हमारा फोकस लॉक हो गया। अब हमारा फोकस लॉक हो गया, हम वीडियो रिकॉर्डिंग को हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमारा फोकस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जहाँ पे हमने पहले लॉक किया था वहीं पे बना रहेगा। तो बहुत ही आपके लिए सिंपल काम हो गया है गाइस। अब हम देख लेते हैं कि अगर बाकी के जो इसके ऑप्शंस हैं मूवीज़ वगैरह के, तो वो मेनू के अंदर से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको मेनू सिस्टम इसका दिखा देता हूँ। हम वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं ओके का बटन दबा के। तो शूटिंग मेनू जो है आपका दूसरे नंबर का, इसके अंदर आपको मूवी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम गए मूवी सेटिंग्स में, तो मूवी सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे मूवी की क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्वालिटी मिल रही है पहले वाले ऑप्शन पे मिल रही है 1280x720p यानी कि HD। तो आप इसको पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिले। इस कैमरे में आप अलग से एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते, लेकिन कैमरे के अंदर बिल्ट इन माइक तो है ही, वो अगर आपने ऑफ कर रखा है तो साउंड आपकी वीडियो में कैप्चर नहीं होगी। तो ध्यान रखना इसको, आप साउंड को ऑन रखें वरना आपकी वीडियो में साउंड नहीं आएगी। हम वापस जाते हैं अभी। तो मूवी के लिए तो मेनली आपकी यही वाली सेटिंग काम आएगी, बाकी सेटिंग्स जो फोटोग्राफी वाली है एग्जैक्टली सेम आपकी मूवी में ही है। वैसे ही आप एपर्चर चेंज करोगे, वैसे ही आप शटर स्पीड चेंज करोगे, वैसे ही आप जो ISO है उसको ऑटो ISO पे डालोगे, या आप मैनुअली भी ISO को चेंज कर सकते हो। मैनुअली चेंज करने के लिए आपको देख ही रहा है यहाँ पे ISO का बटन मिला हुआ है। अब ये क्योंकि आपका प्रोफेशनल कैमरा है, तो आपको अपनी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए मेनू में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं बगैर मेनू में जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे WB का आपको बटन मिल रहा है। WB होता है आपका वाइट बैलेंस के लिए। तो अगर आपको वाइट बैलेंस चेंज करना है, तो आप ये WB वाला बटन दबाइए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे प्रीसेट्स हैं। इस वाले एरिया को देखना आप ध्यान से, ये फ्लैश, ये आपका फैन, ये आपका हो गया घर के अंदर इंडोर। इसमें आप केल्विन, मतलब आप ये जो वैल्यू है आप इसको डायल कर सकते हो, कि अगर जैसे 5800 है तो ये थोड़ा सा वार्मर हो गया, अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो थोड़ी ब्लूश टाइप का आपका फोटो हो जाएगा, इसको आप कम कर दोगे तो येलोइश हो जाएगा। तो आप अपनी खुद की वैल्यू भी इसमें सेट कर सकते हो वाइट बैलेंस की।
अगर आपके पास पहले से आपको पता है कि जिस लाइटिंग में शूट करता हूँ अपनी वीडियो, अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हो तो वो थोड़ी ज़्यादा येलो है, तो आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा करके तब तक एडजस्ट कर सकते हो जब तक कि आपको एकदम करेक्ट वाइट बैलेंस ना मिल जाए। वाइट बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी वीडियो में या फोटो में वाइट कलर वाइट दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऑटो पे डाल दोगे तो देखिए अभी यहाँ पे वाइट बैलेंस ऑटो है, तो ऑटो पे डाल दोगे तो कैमरा खुद से फिगर आउट करेगा कि क्या अभी की लाइटिंग के हिसाब से बेस्ट वाइट बैलेंस रहेगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको ऑटो पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो पे भी अच्छा काम करेगा ये। फिर उसके बाद जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, आप फोटोज़ मतलब हाई क्वालिटी में करना चाहते हो, रॉ में करना चाहते हो, उन सब चीज़ों के लिए होता है। तो हम इस क्वालिटी वाले बटन को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं रॉ में आप शूट करोगे तो उसके लिए फिर आपको फ़ोटो को जेपीईजी में कन्वर्ट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इसमें कर सकते हो फाइन में, ठीक है। नॉर्मल और बेसिक करोगे तो थोड़ी क्वालिटी कम हो जाएगी आपकी जेपीईजी की, तो आप इसको फाइन पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आपको सबसे लार्जेस्ट क्वालिटी का जेपीईजी वाला फ़ोटो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एल वाला बटन है, तो ये एल बटन बेसिकली लॉक के लिए है। तो आपके जो फोकस पॉइंट है अगर आपने उसको एक जगह लॉक कर देना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इस कैमरे में आपके 11 ऑटो फोकस पॉइंट है, आप इन ऑटो फोकस पॉइंट को इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा ये ऑटो फोकस पॉइंट जो है, अभी मैंने इसको AFS पे डाला हुआ है यानी कि सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं कहीं भी ऊपर नीचे जो 11 मेरे ऑटो फोकस पॉइंट है वहाँ पे मूव कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने इसको यहाँ पे साइड में किया हुआ है और फिर मैं इसको बटन को प्रेस कर दूँ, तो अब देखना ये मेरा जो ऑटो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे लॉक हो गया, मैं अपना ऑटो फोकस पॉइंट चेंज नहीं कर पाऊँगा। अब ऑटो फोकस से याद आया कि ऑटो फोकस आपके कैमरे के लिए आपको कौन सा मोड यूज़ करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। तो अब हमें कैसे अपने ऑटो फोकस सेटिंग्स को चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें कैमरे के ऊपर वाले हिस्से को देखना होगा, तो वही सब सेटिंग्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो इसकी ऊपर की टॉप LCD है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AF का आपका बटन है, तो आपको इस AF वाले बटन को दबाना है। तो आपने देखो मैंने ये दबाया तो आपको AFS दिख रहा है, AFS है आपका सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट। तो इसमें आपका एक ऑटो फोकस पॉइंट होगा सिंगल, जिसको कि आप डिफरेंट एरिया में इधर से उधर जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है उधर मूव करके उसके ऊपर फोकस पॉइंट को लॉक कर सकते हो। अब मैं इस पीछे वाले डायल को घुमाऊंगा तो इसने आप दिखाया AFC। AFC वाला मोड आप तब यूज़ कीजिए जब आपको अपने सब्जेक्ट की कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करनी है, आपका सब्जेक्ट मूव अराउंड कर रहा है, आपने पहले उसके ऊपर फोकस को लॉक किया, फिर आपका कैमरा जब तक कि आपने शटर बटन को हाफ प्रेस रखा है कंटिन्यूसली आपके सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा पुराना कैमरा है तो इसकी ट्रैकिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसमें AFS वाले जो मोड को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा AFS वाला, इसमें आपको ज़्यादा शार्प इमेज मिलेगी, ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है AFA, तो AFA हो गया आपका कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा कि कब इसको AFS वाला मोड यूज़ करना है और कब इसको AFC वाला मोड यूज़ करना है। तो अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं या तो आप AFA वाला मोड यूज़ कीजिए या AFS वाला अगर आपको बेहतर रिजल्ट्स चाहिए। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा खुद ही ऑटो फोकस करे, उसका मतलब कि आपको ये जो ऑटो फोकस पॉइंट है, जैसे हम इधर से उधर इस ऑटो फोकस पॉइंट को मूव कर रहे हैं, हम खुद जिसमें चूज़ कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा ऑटो फोकस पॉइंट हो, आप चाहते हैं ये चीज़ भी कैमरा खुद डिसाइड करे, तो उसके लिए आपको मेनू में जाना पड़ेगा। हम मेनू में जाएंगे और हम शूटिंग मेनू से नीचे जाएंगे कस्टम सेटिंग्स मेनू, तो इसके अंदर हमें ये ऑटो फोकस वाला ऑप्शन मिल जाता है। हम इस पर प्रेस करेंगे और अब हमें मिलेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन A1 AF एरिया मोड, तो हमें इसमें से ऑटो एरिया को चूज़ करना है। अगर हमने इस ऑटो एरिया को चूज़ कर लिया, अब मेरा जो कैमरा है वो खुद ही अपने आप डिसाइड करेगा। आप देखिए यहाँ पे ये ऑटो लिखा हुआ आ रहा है, अब कैमरा खुद ही अपने आप ऑटो फोकस पॉइंट पिक करेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको ऑटो फोकस पॉइंट को मूव अराउंड नहीं करना पड़ेगा, और नुकसान ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कैमरा गलत जगह आपका ऑटो फोकस कर दे। मान लीजिए जैसे ये सामने आपको
दो गिटार दिख रहे हैं, छोटा एक, छोटा एक बड़ा। हो सकता है आपका कैमरा जिस गिटार पे आप चाहते थे फोकस करना उसके बजाय दूसरे पे फोकस कर ले, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऑटो एरिया वाले को आप ना करें, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप कर सकते हैं ऑटो एरिया, ऑटो फोकस वाले को भी यूज़। अब हम बाकी के ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, इससे आपको अगर सेल्फ टाइमर एक्टिवेट करना है, या इसके साथ में जो रिमोट आता है उसको एक्टिवेट करना है, या आप सिंगल शूटिंग या कंटिन्यू शूटिंग, ये सारे ऑप्शंस को चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप इस बटन से कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन को दबाया तो अब ये दिखा रहा है कंटिन्यूस वाले मोड पे है, क्योंकि देखो ये इसमें दो तीन लाइन बनी हुई है, यानी कि कंटिन्यूस। अभी ये आ गया रिमोट मोड पे। अब ये देखो एस लिखा हुआ है इस पे, अब ये यानी कि ये सिंगल शूटिंग मोड पे है। तो जब मैं एक बार इस शटर को दबाऊंगा तो एक बार में एक ही फ़ोटो क्लिक होगा, लेकिन अगर मैं इसको इस वाले पे डाल दिया, देखिए आप इस वाले पे, तो अब जब तक मैं इस शटर बटन को दबाए रखूँगा कैमरा आपका कंटिन्यूसली फ़ोटो को क्लिक करता रहेगा, तो उससे कैमरे का शटर काउंट भी बढ़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको एस वाले पे रखें, और बाकी आपको अगर सेल्फ टाइमर एक्टिवेट करना है तो आप इसको टाइमर पे भी डाल सकते हैं। तो टाइमर वाला आपको दिख रहा ही है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन होता है गाइस। कई बार ऐसा होता है कि आपने फ़ोटो क्लिक किया उसके बावजूद भी आपका फ़ोटो कई बार थोड़ा ज़्यादा ब्राइट आता है या थोड़ा ज़्यादा डार्क आता है, तो आप इस एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को कम ज़्यादा करके अपने फ़ोटो का एक्सपोजर करेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको दबाया तो अभी आप देख सकते हैं ज़ीरो पे है, यानी कि आपका एक्सपोजर में ना तो कुछ कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं इसको देखो, मैंने -0.3 किया, -0.7 किया, तो अब जो मेरा फ़ोटो आ रहा है उसको ये थोड़ा डार्क कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको प्लस में ले जाता हूँ तो जो मेरा फ़ोटो कैप्चर हो रहा है ये उसको और थोड़ा सा ब्राइट बना देगा। तो ये कई बार तब यूज़फुल रहता है कि जैसे कि आप किसी डार्क जगह पे फ़ोटो ले रहे हो या ब्राइट जगह पे फ़ोटो ले रहे हो, आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, आपने सारी सही सेटिंग्स डाल दी उसके बावजूद भी ब्राइट आ रहा है, तो तब आप इस वाली सेटिंग से अपने फ़ोटो की ब्राइटनेस को करेक्टली करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है मीटरिंग। मीटरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीटरिंग में होता क्या है कि कैमरा डिसाइड करता है कि आपकी जो सीन है उसमें जो लाइटिंग मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उसको एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार करना है। तो इसमें आपके बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है अभी डॉट, ये आपका हो गया स्पॉट मीटरिंग, अभी आपका हो गया ये सेंटर वेटेड मीटरिंग, और ये लास्ट वाला हो गया आपका मैट्रिक्स मीटरिंग। तो स्पॉट मीटरिंग जो आपकी एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे आपने अपना फोकस पॉइंट रखा है वहाँ पे जो लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके फ़ोटो को एक्सपोज करेगा। तो अगर आप जैसे किसी इंसान का फ़ोटो ले रहे हो उसके चेहरे पे आपने ऑटो फोकस पॉइंट रखा है तो इंसान का चेहरा करेक्टली एक्सपोज होना चाहिए, तो उस केस में आप इस स्पॉट मीटरिंग पे कैमरे को डालें। फिर सेंटर वेटेड आ गया। सेंटर वेटेड में अगर आपके मेन सब्जेक्ट सेंटर में है तो आप इसको सेंटर वेटेड मीटरिंग में डाल दें, तो सेंटर के सब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपोजर तैयार करेगा। और ये मैट्रिक्स मीटरिंग, इसमें जो पूरे का पूरा सीन है उसमें जितने भी एलिमेंट है पूरे सीन की हर एक लाइट को देख के कैमरा एक अच्छा एक्सपोजर डिसाइड करेगा। तो अगर आप लैंडस्केप फ़ोटो ले रहे हो उसमें आपके पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पानी है, आसमान है, तो उसकी पूरी सारी लाइट देख के ये तैयार करेगा, तो उस केस में आप इस वाले मैट्रिक्स मीटरिंग वाले मोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस एक और काफ़ी अच्छी फीचर जो लास्ट फीचर है जिसके बाद मैं इस वीडियो को बंद कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं BKT। BKT यानी ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग आपकी होती क्या है कि आप मल्टीपल एक्सपोजर के शॉट्स ले सकते हो। मान लीजिए आपने एक फ़ोटो लिया लेकिन वो तीन डिफरेंट एक्सपोजर में लिया जाएगा, एक थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट, एक थोड़ा सा कम ब्राइट और एक करेक्ट एक्सपोजर। फिर बाद में आप उसे लाइट रूम में जाके अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी एक हाई डायनेमिक रेंज वाली फ़ोटो बना सकते हो, जिसमें कि ब्राइट एरियाज़ में भी आपको डिटेल्स दिखें और डार्क एरियाज़ में भी आपको डिटेल्स दिखें। तो वो आपका ब्रैकेटिंग के थ्रू होता है, और ये फीचर हर कैमरे में नहीं मिलती लेकिन इस कैमरे में आपको मिल जाती है। तो ब्रैकेटिंग की सेटिंग्स भी आप जैसे कि हम बाकी सारी सेटिंग्स को हमने एक्सेस किया है वैसे ही हम कर सकते हैं। मैं लाइव व्यू को ऑफ करता हूँ और इस इन्फो को दबाता हूँ, और ये जो साइड में मेरा
ब्रैकेटिंग का बटन है, इसको दबाता हूँ और आप देख सकते हैं 3F, 3F में पहले अभी ये ऑफ है, ठीक है, मैंने 3F कर दिया और 2.0, तो यानी कि जो मेरे तीन फोटो क्लिक होंगे उसमें हमारा टू स्टॉप्स का एक्सपोजर का डिफरेंस होगा। तो एक फ़ोटो करेक्ट एक्सपोजर, दूसरा फोटो टू स्टॉप्स ज़्यादा एक्सपोजर और तीसरा फोटो टू स्टॉप कम एक्सपोजर। तो इस तरीके से आप ब्रैकेटिंग का अवेल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लैश का बटन है, आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्लैश का कॉम्पनसेशन एडजस्ट करना है कि फ्लैश की पावर कम या ज़्यादा आपको करनी है, तो वो भी आप इस बटन को दबा के, जिस बटन से मैंने फ्लैश ओपन किया था उसको मैं दबाऊंगा और साथ में ये जो बटन है इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्लैश के डिफरेंट ऑप्शन है, ये आपका रेड आई वाला हो गया, ये रियर वाला हो गया। ठीक है, तो आप इसको रियर वाले पे रखें और इसकी फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा करना है तो जो आगे वाला जो बटन है, आगे वाला डायल है जिससे मैं अपर्चर एडजस्ट करता हूँ, उससे मैं कर सकता हूँ। देखो अभी -0.7 होगी, -1 होगी, इसको मैं पॉजिटिव में भी ले जा सकता हूँ। पॉजिटिव में ले जाऊँगा तो फ्लैश ज़्यादा पावरफुली मेरा यूज़ होगा, अगर मैं इसको नेगेटिव में ले जाऊँगा तो फ्लैश की पावर कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ सेटिंग्स को आप क्विकली एडजस्ट कर सकते हो। आप ये इन्फो का बटन दबाइए, इन्फो का बटन दबाइए और फिर इसको दोबारा से दबाइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो हाईलाइट हो गया है। आप इस पर भी जा सकते हैं, नॉइज़ रिडक्शन को आपको ऑन ऑफ करना है, मैं तो इसको छेड़ता भी नहीं हूँ, अगर आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, वैसे इतने काम का है नहीं, आप इसको ऑफ ही रखो। फिर आपकी दूसरी वाली सेटिंग आ गई हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन, इसको आप ऑन कर सकते हो और इसको आप नॉर्मल में रखो, तो जब आप हाई ISO में फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो जो आपके फ़ोटो में नॉइज़ आता है ये उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा। फिर आपका एक्टिव डी लाइटिंग आ गया, ये आपके फ़ोटो में थोड़ी सी जो लाइटिंग को बैलेंस करके आपके फ़ोटो को थोड़ा डायनेमिक रेंज बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इसको भी आप या तो हाई पे डाल दो या ऑटो पे डाल दो, ऑटो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, कैमरा अपने आप से सब कुछ डिसाइड कर लेगा। फिर आपका आ जाता है पिक्चर कंट्रोल, तो पिक्चर कंट्रोल बेसिकली आपके फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे आपको स्टैंडर्ड मिला है, स्टैंडर्ड में आपके फ़ोटो में सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होगी, कलर्स वगैरह एकदम नेचुरल होंगे, ठीक है, न्यूट्रल भी एक तरीके से आपको नेचुरल कलर्स देता है। विविड में आप डाल दोगे तो आपके कलर्स थोड़े से और निखर के आएंगे, जैसे आप लैंडस्केप वाले फ़ोटो ले रहे हो तो ग्रीन कलर और ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, रेड कलर और ज़्यादा ग्रीन रेड हो जाएगा, ब्लू स्काई है तो वो और ज़्यादा ब्लू हो जाएगा, मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट। पोर्ट्रेट में आपकी स्किन को हल्का सा सॉफ्ट बना देगा, ठीक है, और लैंडस्केप में आपके जो लैंडस्केप में जो आपके ट्रीज वगैरह हैं थोड़ी ज़्यादा शार्प दिखेंगे। तो मैं तो इसको स्टैंडर्ड में ही यूज़ करता हूँ, अगर मेरे को बाद में कुछ प्रोसेसिंग करनी हुई, कलर्स वगैरह बढ़ाने हुए, तो मैं अपने लैपटॉप में जाके एडिटिंग कर देता हूँ। उसके अलावा जो आपका ये फंक्शन बटन है, आप इसको असाइन कर सकते हो, फंक्शन बटन आपका सामने की तरफ है यहाँ पे, तो आप चाहे तो किसी भी एक पर्पज़ के लिए इसको सेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने इसको सेट कर दिया कि इसको दबाने से मेरी मूवी की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने अगर इसको सेट कर दिया तो जब आप इस वाले बटन को दबाओगे तो आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, या आप किसी और पर्पज़ के लिए भी इसको सेट कर सकते हो। फिर आपका आ गया ये जो AEL वाला ये जो बटन है, आप इसको भी असाइन कर सकते हो। ये वाला बटन आपका बेसिकली बैक फोकसिंग के लिए यूज़ होता है, तो अगर आप इसे किसी और पर्पज़ के लिए भी सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बेसिकली इस वाले बटन का काम ये होता है कि अगर आपने इसको दबा के रखा हुआ है तो उस दौरान आपका फोकस जहाँ पे आपने लॉक किया हुआ था वहीं पे रहेगा, कैमरा उस दौरान फोकस को वापस से ग्रैब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर आपने एक जैसे मान लीजिए आप ग्रुप के फ़ोटोज़ ले रहे हो और आपको पता है कि अब मेरा फोकस बार बार नहीं हिलेगा, ठीक है, तो आपने वहाँ पे फोकस लॉक कर लिया, इस बटन को दबाए रखें और कंटिन्यूसली इस शटर बटन को दबा के ऐसे ऐसे फ़ोटो आप क्लिक करते रहें, आपके फ़ोटो फास्ट क्लिक हो जाएंगे। वरना होगा क्या कि हर बार आप फोकस को ग्रैब करोगे, फोकस को ग्रैब करने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, फिर आप फ़ोटो क्लिक करोगे, तो थोड़ा सा ये आपको स्पीड दे देता है, आप ज़्यादा फ़ोटो कम समय में क्लिक कर पाते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मैंने सारी इजी सेटिंग्स बताई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप फोटोग्राफी बहुत ईजिली कर पाओगे इस कैमरा से और आप वीडियो भी निकाल पाओगे। जो जो मेन इसके मेन्यू होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, बहुत ज़्यादा आपको डीपली मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक सेटिंग्स वगैरह है
वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्योंकि इस कैमरे में हर चीज़ के डेडिकेटेड डायल्स और बटन दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा मीनू में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप फिर भी मीनू के अंदर जाके काफ़ी सारे ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये वीडियो मोड हो गया। वीडियो मोड को आप पहल से NTSC में भी कर सकते हो, तो अगर आप यूरोप या एशिया में हो तो आप इसको NTSC में यूज़ कीजिए। और बाकी कार्ड फॉर्मेट करना है आपको, इसका टाइम चेंज करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेनू के अंदर मिल जाएगी। बट वो चीज़ें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए अगर मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डालूंगा तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। अभी ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा कैमरा है। इस कैमरे के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की कि आप इस कैमरे के ऊपर ट्यूटोरियल बनाइए, तो फाइनली मैंने इस कैमरे के ऊपर ट्यूटोरियल बना दिया है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो यार लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों से भी कहना कि चैनल को चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें।